आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर फिर निशाना साधा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित न्यू इंडिया कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब शासन सिर्फ राज परिवारों का था, लेकिन आजादी के बाद भी नए तरह के राज परिवार पैदा हो गए। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसके बाद लोकतंत्र के बाद नई तरह के राज परिवार पैदा हुए। तीन तीन पीढ़ियों तक राज। पीएम मोदी ने देश में हो रहे बदलावों का भी जिक्र किया, साथ ही उन्होंने कहा कि नए इंडिया का आधार यंग इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी मिदनापुर में किसान कल्याण रैली से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिशन 22 की शुरुआत की। पीएम ने ममता सरकार और विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब पूजा करना भी मुश्किल है। पश्चिम बंगाल सामान्य जीवन मुश्किल से गुजर रहा है, यहाँ पूजा भी मुश्किल में है। महान बंगाल की महान परंपराओं को भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी ममता सरकार को घेरा। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट सरकार चल रही है और बिना चढ़ावा कोई काम नहीं होता। नई कंपनी खोलनी हो, नई अस्पताल खोलने की इच्छा हो, नया स्कूल बनाना हो, नई सड़क बनानी हो, बिना सिंडिकेट को चढ़ावा दिए उसकी स्वीकृति के लिए बिना कुछ नहीं हो सकता है। रैली में लगी ममता बैनर्जी की होर्डिंग को लेकर भी पीएम ने तंज कसते हुए ममता बैनर्जी का शुक्रिया अदा किया। हालांकि टीएमसी ने पीएम मोदी के आरोपों के जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि वो सिर्फ राजनीतिक भाषण देने आए थे और बीजेपी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। सिंडिकेट सरकार के बयान पर टीएमसी ने कहा कि सिंडिकेट के बारे में बीजेपी नेताओं से बेहतर कौन जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आज एक बड़ा हादसा टल गया और हादसे को टाला खुद पीएम मोदी ने। पीएम मोदी पश्चिम मिदनापुर की रैली में मंच पर भाषण दे रहे थे, तभी रैली के लिए लगे पंडाल का एक हिस्सा गिर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन अपना भाषण रोका। मंच पर ही उनके साथ एसपीजी के गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने एसपीजी को बुलाया, उन्हें निर्देश दिया कि फौरन घायलों की मदद की जाए। पीएम के निर्देश के बाद स्थानीय नेता और एसपीजी की टीम घायलों की मदद में लग गई। मेरे साथ जो डॉक्टर होंगे, मेरे साथ जो रहते हैं, किसी को चोट आई होगी तो उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था। भाषण खत्म कर पीएम खुद अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसी दौरान अस्पताल में भर्ती एक घायल महिला ने प्रधानमंत्री से उनका ऑटोग्राफ भी मांगा और उन्होंने खुशी खुशी दिया भी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उर्दू अखबार इंकलाब ने कहा है कि वो अपनी उस खबर पर कायम है जिसके मुताबिक राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अखबार ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नदीम जावेद का इंटरव्यू भी छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना तो राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है, ना ही इंकलाब ने कुछ गलत छापा है। मेरा वो पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, राहुल गांधी उसको डिनाइल करें तब मैं मानूंगा। और मैं यहां तक कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ये कह देगी कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मैं सहाफत छोड़ के चला जाऊंगा। नदीम जावेद ने भी कहा कि राहुल ने कुछ गलत नहीं कहा है। मुसलमानों के ताल्लुक से राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया, बताइए आप बताइए कि क्या गलत कहा। राहुल गांधी के बयान के हवाले से बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ये लगातार कांग्रेस की सोच का ये परिणाम है। कांग्रेस की सोच ही तुष्टिकरण की है, कांग्रेस की सोच घोर सांप्रदायिक है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है। उनकी विचारधारा के अंदर हिंसा ऊपर से लेकर नीचे तक, सर के बाल से पांव के नाखून तक है। वो भारत की इस दंगा जमनी तहजीब को कभी नहीं समझ पाएंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने पीएम से कहा है कि वो तय करें कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हो। राहुल ने पीएम को भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस महिला बिल पर सरकार का साथ देगी। महिलाओं के हित में वो इस बिल को लाने में नहीं हिचकिचाएंगे और जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संख्या को अगर हम मिलाए, मेरा विश्वास है कि हम इस बिल को पास कर सकते हैं। बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उन पार्टियों के साथ खड़ी है जो बिल के विरोध में है। तो जिन्होंने विरोध किया उनके साथ आज कांग्रेस बैठी है, उनके साथ महागठबंधन कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। महिला आरक्षण बिल को संसद से मंजूरी मिलने पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक में इस पर सहमति बनी है। विपक्षी नेताओं की बैठक में कांग्रेस के अलावा एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी समेत करीब 10 पार्टियों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस किसी भी विपक्षी पार्टी को समर्थन देने को तैयार है, हालांकि उम्मीदवार किस पार्टी का और कौन होगा ये अभी तय नहीं है। कांग्रेस के पीजे कुरियन का कार्यकाल खत्म होने की वजह से राज्यसभा के उपसभापति का पद अभी खाली है। जम्मू कश्मीर के शोपिया फायरिंग केस में राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में सेना के खिलाफ एफआईआर पर जांच अनिश्चित काल तक नहीं रोकी जा सकती। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य को केंद्र की मंजूरी के बिना सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे राज्यों को पक्षकार बनाने की जम्मू कश्मीर सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। 27 जनवरी को शोपिया में पत्थरबाजों की भीड़ पर सेना की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सेना के अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के खिलाफ मेजर आदित्य के पिता ने याचिका दायर कर जम्मू कश्मीर सरकार की कार्रवाई रोकने की मांग की थी। मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेजर आदित्य कोई साधारण नागरिक नहीं बल्कि सेना के अधिकारी हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी, जिसमें तय होगा कि मेजर आदित्य के पिता की याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के दौरान पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गुलाम मोहिउद्दीन मीर के घर पर हमला किया। उस वक्त मीर के 2 सुरक्षा अधिकारी उनके घर पर मौजूद थे। आतंकी हमले में मुदस्सिर और नासिर नाम के पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में मुदस्सिर की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है। चांद सितारे वाले हरे झंडे पर प्रतिबंध लगाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने जनहित याचिका दाखिल कर मांग की है कि धर्म के नाम पर चांद सितारे वाले हरे झंडे लहराने पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये झंडा पाकिस्तान और मुस्लिम लीग का है। रिजवी ने मांग की है कि ऐसे संस्थानों, व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो चांद सितारे वाले झंडे लहरा रहे हैं, क्योंकि इस झंडे का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। नबी ने जो पहला बैनर बनाया काला था, लेकिन इस हरे रंग पर चांद तारे का कौन सा मामला है? ये तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। तो इस्लाम की आड़ में ऐसे काम नहीं करो कि जिससे हमारे हिंदुस्तान की इज्जत पर खतरा आ जाए। दूसरी तरफ इस्लाम के जानकारों ने वसीम रिजवी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। मुझे लगता है कि जो साहब ये बयान दे रहे हैं उनको या तो जनरल नॉलेज नहीं है, या जो बुनियादी नॉलेज होनी चाहिए मजहब इस्लाम के बारे में वो नहीं है। इसी बुनियाद पर गलत और बेहुदा बयानबाजियां बार बार की जा रही हैं। एसएल इंफ्रा महाराष्ट्र के नागपुर में कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगाने जा रही। इस प्लांट के भूमि पूजन समारोह में नागपुर के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। भांडेवाड़ी का कचरा जो है वो पूरा अब इसमें से पावर में जाएगा और वहाँ के लोगों की जो तकलीफ है वो बंद होगी। ये भी एक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। नागपुर के भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड के पास बन रहा ये प्लांट 2019 तक शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर एसएल इंफ्रा 219 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
प्लांट के तैयार होने पर यहां 800 टन कूड़े को ट्रीट किया जाएगा और 11.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आने वाले 1.5 साल में 17 महीने में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम कोई कचरा डंप नहीं करेंगे, सारे कचरे के ऊपर हम लोग प्रक्रिया करके उसमें से बिजली तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई कि एसएल इंफ्रा का प्लांट नागपुर की तस्वीर बदल देगा। महाराष्ट्र में दूध किसानों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और अन्य शहरों के लिए जा रहे दूध के टैंकरों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मालेगांव के वाशिम में दूध लेकर जा रहे एक ट्रक में आग लगा दी। राहत की बात ये रही कि वक्त रहते ट्रक का ड्राइवर कूदकर बाहर आ गया, ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो दूध को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल ना हो। दूध की कीमतों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। महाराष्ट्र के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री महादेव जानकर ने भरोसा दिलाया है कि शहरों को दूध की कमी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार दूध पर 50% सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे और अब हम आपको बताते हैं कि आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या क्या हुआ। पश्चिम बंगाल की सरकार पर, वहां आप जानते हैं ममता बनर्जी की सरकार है, आज ममता बनर्जी की सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक रैली कर रहे थे और इस रैली में बहुत कुछ हुआ। इस रैली में उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप वो बातें सुनिए, सबसे पहले उनके आरोप सुनिए। भाइयों बहनों, आज पश्चिम बंगाल सामान्य जीवन मुश्किल से जी रहा है, यहां पूजा भी मुश्किल में है। महान बंगाल की महान परंपराओं को भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सिंडिकेट की मर्जी के बिना पश्चिम बंगाल में कुछ भी करना मुश्किल हो गया है। नई कंपनी खोलनी हो, नई अस्पताल खोलने की इच्छा हो, नया स्कूल बनाना हो, नई सड़क बनानी हो, बिना सिंडिकेट को चढ़ावा दिए उसकी स्वीकृति के लिए बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये सिंडिकेट है जबरन वसूली का, ये सिंडिकेट है किसानों के लाभों को छीनने का, ये सिंडिकेट है अपने विरोधियों की हत्या करने के षड्यंत्र करने का, ये सिंडिकेट है गरीबों पर अत्याचार करने का, ये सिंडिकेट है अपनी वोट बैंक के लिए, ये सिंडिकेट सत्ता को कैसे भी बनाए रखने के सपने पूरे करने के लिए सिंडिकेट और अनैतिक, अवैधानिक, गैरकानूनी कामों में जुटी हुई है। इस कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ पंडाल के ऊपर चढ़ गई। भीड़ के दबाव की वजह से पंडाल का एक हिस्सा गिर गया जिसमें कई लोग आज घायल हो गए। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण को बीच में ही रोक दिया और लोगों से नीचे उतरने की अपील करने लगे। इस अपील में प्रधानमंत्री मोदी परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की तरह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और जब ये दुर्घटना हुई तो प्रधानमंत्री ने अपने पीछे खड़े एसपीजी के सुरक्षा गार्ड्स को ये निर्देश दिए कि वो घायलों की तुरंत मदद करें और उनके साथ जो डॉक्टर चलते हैं उन्हें भी ये कहा कि वो पहले घायलों को देखें। मैं जब हेलीकॉप्टर से यहां आ रहा था पूरे रास्ते भर, उस समय तो बारिश भी चालू थी, जो जन सैलाब मैंने देखा वो अद्भुत था। मैं उनका ये जो ऊपर चढ़े हैं, नीचे उतर जाओ प्लीज, आप जो चढ़े नीचे उतर जाओ, देखिए वो नीचे उतर जाइए, आप लोग आप नीचे उतरिए, वो नीचे उतरिए,
नीचे उतर जाइए, ये जो ऊपर खड़े हैं ऊपर चढ़े नीचे उतर जाइए। कोई भागा दौड़ी मत कीजिए, भाई नीचे उतरिए आप लोग। संभाल के कोई उस पर ना चढ़े, ये जो पेंडोल नीचे आया है उसके ऊपर कोई ना चढ़े, वरना और किसी को तकलीफ होगी। ये सब गिरने के कारण शायद तो आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से ये देख लिया था कि लोग पंडाल के ऊपर चढ़ रहे हैं और कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए भाषण को बीच में रोका, लोगों को कहा भी कि वो नीचे उतर जाएं। और जब ये दुर्घटना हो गई तो उन्होंने अपने एसपीजी के गार्ड को कहा कि जो उनके साथ डॉक्टर है उनको कहें कि वो इनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें। लेकिन दुर्घटना हो गई और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी इन घायलों से मिलने अस्पताल गए। घायल लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनका हालचाल पूछने खुद प्रधानमंत्री अस्पताल चलकर आ जाएंगे। अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके ऑटोग्राफ की मांग की, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया और वहीं बैठकर इस महिला को अपना ऑटोग्राफ दिया। ये वो तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस घायल महिला को ऑटोग्राफ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी उस महिला की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री अगर उसे देखने आए हैं तो वो उस महिला को अपना ऑटोग्राफ दे, और प्रधानमंत्री ने दिया भी। आपको आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आई है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी। पुतिन से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा और वो ये था कि सीरिया के मुद्दे पर अक्सर ये कहा जाता है द बॉल इज इन रशियाज कोर्ट। इसके जवाब में पुतिन ने फुटबॉल का इस्तेमाल किया और जिस तरह से जवाब दिया वो कल पूरी दुनिया की हेडलाइन बनेगी। कल तो ये हेडलाइन बनेगी खबर, लेकिन हम आपको आज ही बता देते हैं कि वहां क्या हुआ। And speaking about the having the ball in our court in Syria, President Trump has just mentioned that we've successfully concluded the World Football Cup. Speaking of the football, actually, Mr. President, I'll give this ball to you, and now the ball is in your court. All the more that the United States will host the World Cup in 2026. That's right. Thank you very much. We do host it, and we hope we do as good a job. That's very nice. That will go to my son, Baron. We have no question. In fact, Melania, here you go. तो फुटबॉल का इस्तेमाल राजनीति में भी हो सकता है और कूटनीति में भी हो सकता है, यह आपको आज देखने को मिला।